नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थिंक फिजिक्स। टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 4 ऑफ 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी, आगे हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने देखा होगा सपोज कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो फोर्स के पीछे रीजन क्या है, कि ये फोर्स लगा कौन रहा है, सो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये लाइन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। मतलब ये कहना चाहता है कि दो चार्ज है उसके बीच में फोर्स तो लगता है, बट ये दो चार्ज में बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी ये दोनों चार्ज है वो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाते रहते हैं, राइट। सो द नेचर ऑफ दिस एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम ये एक्शन है, जो नेचर ऑफ दिस एक्शन अगर ये समझना चाहते हैं तो हम उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो आज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले ये फिगर पे थोड़ा ध्यान दो। सपोज कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या करता है, सोर्स चार्ज इसलिए लिया गया है कि उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब वो जो प्रोड्यूस करता है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एंड जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके आसपास के रीजन में, राइट। सो एक्चुअल में जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सो इन अदर लैंग्वेज एन इजी लैंग्वेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इफेक्टिव रीजन ऑफ सोर्स चार्ज इन विच अदर चार्जेस कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इफेक्टिव ऐसा रीजन है, एक इफेक्टिव रीजन है सोर्स चार्ज का, जिसके आसपास के रीजन, मतलब ये सपोज कि ये सोर्स चार्ज है तो इसके आसपास के रीजन में अगर कहीं पे भी दूसरा चार्ज आता है, राइट, तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, राइट। यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी लेनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, क्यों, अदरवाइज इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होकर इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्यू नॉट का, मतलब स्मॉल जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू सोर्स चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से इस सोर्स चार्ज की पोजीशन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ हियर सी, द सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम पहले भी बताया कि एक सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है उसके आसपास सराउंडिंग रीजन में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया, राइट। सो आपको पहले ही बताया कि टेस्ट चार्ज कैसे रखना है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा है कि भाई वी पुट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन प्लेस नियर द सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको सपोज कि कोई एग्जिस्टेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करना है तो सोर्स चार्ज के आसपास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो यू विल गेट दी व्हाट इज दैट, दी फोर्स, राइट, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। सो यू कैन से दैट देर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, राइट। नाउ सी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज। उसका मतलब क्या होता है, अगर मैथमेटिकल पोजिशन फॉर्मूला में देखा जाए तो ये कहना चाहता है कि सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसकी यूनिट वगैरह के लिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं, और अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू एफ इज डिवाइड बाई क्यू नॉट और F इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई। अगर फोर्स का इक्वेशन आपको बनाना है तो यहाँ पे F को आप सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट दी आंसर, राइट। नाउ यू कैन सी दैन, बट यहाँ पे अगर आपको बेटर डेफिनेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आपको पता है क्यू नॉट का वैल्यू है बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज वो ओरिजिनल सोर्स चार्ज का पोजिशन को डिस्टर्ब करता है, तो हम यहाँ पे एक लिमिट रख सकते हैं कि लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, मतलब वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। एंड सो बेटर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपका रहेगा कि E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एंड F डिवाइड बाई क्यू नॉट, राइट। और यहाँ पे आपको एक फुट नोट दिया है, वो थोड़ा देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, आपको याद रखना है। यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, सोर्स चार्ज, इसलिए वो
यूनिट टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा भी पहलू देखा जाए तो इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। सो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन ओरिजिनल क्या बनेगा, सो दैट इज योर डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यहाँ पे आपने एक वर्ड ऐड किया हमने पहले की डेफिनेशन में कि वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसका मतलब होता है क्यू नॉट टेंस टू जीरो, कि उसका वैल्यू इतना स्मॉल होना चाहिए कि हमारा सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट। और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको दिख रहा है मैंने पहले से ही वेक्टर रखा है यहाँ पे, क्योंकि उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहता है वगैरह वगैरह। सो उस डायरेक्शन इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की मतलब क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वेशन आप देखो ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई, सो डायरेक्शन ऑफ एफ इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ ई, और डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, राइट। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट, पहले बताया था कि यूनिट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, तो एसआई यूनिट क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा कि न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आपको पता है कि एफ बाय क्यू नॉट, तो एफ बाय क्यू नॉट का क्या, एफ का फोर्स एंड ये है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और दूसरा यूनिट भी आता है सेकेंड चैप्टर से, वोल्ट पर मीटर, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले यूनिट, वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होता है, राइट। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वट इज दैट एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री, कैसे डिराइव करेंगे, तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाई चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का आपको पता है एम वन एल वन टी माइनस टू, एंड चार्ज का आपका क्यू इज इक्वल टू आई टी से आप निकाल सकते हो ए वन टी वन, इन सबको ऊपर ले जाया जाए तो कुछ एस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है एम वन एल वन टी माइनस थ्रू ए माइनस वन। यहाँ पे आपको एक और चार्ज देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में कैसे रहता है, तो यहाँ पे मैंने दो फिगर ड्रॉ किए, वो आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये डायग्राम पूछे भी जाते हैं, राइट, एक मार्क्स में एनसीईआरटी के एग्जाम में आपका। तो पहले पॉजिटिव का देखें, तो पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, इन विच डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आपको ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन याद रखनी, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है बट वो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद के एक दो टॉपिक के बाद आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। नाउ सी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम, क्यों, क्योंकि आपको अगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक स्मॉल रीजियन ऐसे बनाऊँ, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक के इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ तो सारे सर्कल पे सब जगह पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर फॉर पॉइंट लाइक चार्ज, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड इट इज अ स्फेरिकल सिमेट्री भी बोला जाता है, आप देखो तो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, क्योंकि चार्ज अगर बीच में होता है उसके आसपास के सब रीजन में स्फेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सेम रहेगा सेम डिस्टेंस पे, राइट। नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड, आपने देखा होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है, क्यों, उसका रीजन भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई सिंगल वेक्टर से नहीं बना है, बिकॉज इट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स, राइट, उसका भी रीजन है बिकॉज ई इज वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, आपने देखा होगा पहले ही आपको एक फिगर में मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कि ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सब जगह डिफरेंट डिफरेंट रहता है, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड, राइट, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो पता चलेगा बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कि यू हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू कैन identify or determine the force experienced by your charge placed at that point, right, that is the reason. And second thing is that the Coulombian force of the charge q naught in terms of electric field agar aapko dena hai to simple aapko pahle bhi bataya tha wahi formula hai ki f is equal to q naught into e, right, both are in vector notation. Now see, thus an electric field plays an intermediate role in the force between the two charges. इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास दो चार्ज है तो उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा। सपोज ये दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही होगी।
तो इसलिए इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है कि दो चार्ज का फोर्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पहले पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात करेंगे, राइट. तो पॉइंट चार्ज के लिए सपोज के पहले जैसे फिगर दिखाया था वैसे ही, सपोज के आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है. पॉइंट चार्ज को हम पहले क्यू बोलेंगे, दूसरे एक टेस्ट चार्ज लेंगे जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट. मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में हम बाद में वेक्टर लॉ से हम प्रूव करेंगे. नाउ लेट अस सी कि सपोज अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज गिवन बाय व्हाट इज दैट द एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q naught डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ऑलरेडी वी डिस्कस दिस लॉ कि ये क्या होता है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ के, सो इट बिकम्स नथिंग बट द के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर लाइक फॉर्म, राइट. सो के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर वेर द आर नॉट इज आर कैरेट इज नथिंग बट वट इज दैट, इट इज द यूनिट पॉजिटिव वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट. मतलब वो डायरेक्शन फोर्स की दिखाएगा वैक्टर नोटेशन में, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था हम यहाँ पे वैक्टर लॉ लेंगे कुलम का. नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेना है तो आगे आपको पहले भी एक मैथमेटिकल फॉर्म बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कौन सा फॉर्म था कि पी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट. अगर एफ बाय क्यू नॉट है तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइड बाय आर नॉट. आर नॉट आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट जो वैल्यू बचता है कुछ इस तरह का होगा कि ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. यू कैन सी दैट इन दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ यूनिट चार्ज. मतलब जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने रखा था क्यू नॉट, उसके ऊपर इक्वेशन लास्ट इक्वेशन डिपेंड नहीं करता. नाउ सी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड व्हाट इज दैट, द ई इज इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर नोटेशन हटा दो और यहाँ पे आर के हटा दो, तो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ के डिवाइड इनटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. दैट इज द सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, राइट. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से दैट द ई प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसका मीनिंग क्या होता है कि वेन यू गो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, मतलब योर सोर्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट. तो जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते हो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो डिक्रीज होता जाता है. फॉर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, वैसे ही अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो उल्टा होता, क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड हो इंक्रीज होता जाएगा, राइट. उसके कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि कैसे वो इंक्रीज डिक्रीज होता है. नाउ सी एट ऑल द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ड्रोन अराउंड द पॉइंट चार्ज. सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास में स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करो, राइट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस इज सेम, राइट. उसका रीजन क्या है कि ये आर पे ही डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे ही. तो यहाँ पे से यहाँ का डिस्टेंस अगर सेम है सब पॉइंट पे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस सरफेस पे, राइट. एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन वैक्टर और द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन वैक्टर आर. ये पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहता है, राइट. पोजिशन वैक्टर कैसे, तो आपको पहले भी बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई पोजिशन वैक्टर हम एक्स वाई जेड और एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेटर सिस्टम में अगर चार्ज लेते हैं तो उसके जो पोजीशन हम डिनोट करते हैं ओरिजिन से, तो उसके ऊपर उसका कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस पे रहता है. नाउ सी सच अ फील्ड इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, द स्फेरिकल सिमेट्री और द रेडियल फील्ड. रेडियल फील्ड क्योंकि उसके आसपास रेडियल पार्ट में उसका वैल्यू सेम होता है एट अ सेम डिस्टेंस. नाउ लेट अस टेक द अनदर टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. पहले हमने किसके बारे में बात किया, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के बारे में, कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से उसके नज़दीक अगर नियर कोई दूसरा एक टेस्ट चार्ज रखा जाए तो कितना फील्ड प्रोड्यूस होता है. सिस्टम ऑफ चार्ज है वो थोड़ा उसका ही आगे का टॉपिक है कि सपोज कि मोर देन टू चार्ज थ्री चार्ज है तो आप क्या करोगे, राइट. सो कंसिडर द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट ऑफ चार्जेस, लाइक सपोज आपके पास क्यू वन क्यू टू करके क्यू एन तक है, सबके पोजिशन वैक्टर है आर वन आर टू आर एन तक, राइट. एक आपको यहाँ पे फिगर समझना है तो पहला फिगर देख लेते हैं कि सपोज आपका ये क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, जिसके में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो हमें फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है. द रीजन इज दैट यू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ई इज इक्वल टू वट इज दैट, द ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट, राइट. सो यू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एफ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, मैथमेटिकल फॉर्म में. अदरवाइज प्रैक्टिकली तो आपको यह सब जरूरत नहीं रहती है, वो बात की बात है. नाउ सी सपोज कि आपके पास यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू वन है, यहाँ पे क्यू टू है, वैसे अप टू क्यू एन है,
राइट। तो पहले ये जो पेन से ड्रॉ किया है वो देखो, पेंसिल का हम बाद में देखेंगे। तो पेन की बात में करूँ तो उसमें क्या है कि सपोज कि इसके सबके पोजिशन वेक्टर है, आर है, आर वन है, आर टू है, लाइक देट। तो आपको पता होगा क्यू वन है वो क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, क्यू टू है वो क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। अगर इन दोनों का मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ तो मुझे ई वन प्लस ई टू मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगा। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है उसको हम थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री में ऐड करना है, सपोज कि थर्ड चार्ज है, राइट। तो ई थ्री का आपको देखा जाए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन लगेगा इस पॉइंट पे, राइट। तो अगर इसका और ई वन प्लस ई टू एंड ई थ्री दोनों को ऐड करके मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनता है। और जो ये जो वेक्टर मिलता है वो कौन सा होता है, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ये लेक्चर आपको मिलता है, राइट। नाउ सी इन दिस फिगर हियर वी यूज व्हाट इज दैट द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, राइट। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ वी नो दैट द चार्ज व्हाट इज दैट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज गिवन बाय व्हाट इज दैट एफ वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आर वन पी उसका स्क्वायर इन व्हाट इज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैरेट वन पी। अगर फिगर में आपने देखा होगा तो आर वन पी है और मैंने वन से पी तक का डिस्टेंस दिखाया था, पी कौन सा पॉइंट है जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है वहां तक का पॉइंट है, राइट। नाउ सी द सेम थिंग अगर हम आगे बढ़े तो ई वन इज इक्वल टू एफ वन बाई क्यू नॉट, हमारा इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहाँ पे एफ वन का अगर हम वैल्यू रख दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है क्यू नॉट है वो कट हो जाएगा एंड आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो ई वन इज इक्वल टू के क्यू वन डिवाइड बाई आर वन पी का स्क्वायर इंटू आर वन पी का कैरे, राइट। नाउ सी द सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेकेंड पॉइंट के लिए मुझे क्या मिलेगा, अगर अदर चार्ज के लिए मैं बात करूँ तो के क्यू टू डिवाइड बाई आर टू पी का होल स्क्वायर इंटू आर टू पी का कैप, राइट एंड सो ऑन, आपको एन तक जाना है ऐसे ही, राइट। अब वैल्यू ऑफ के आपको पता ही है कि वन डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ सी अगर हम सब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करके ऐड कर दे तो उसका क्या मतलब होगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट When all other charges are assumed to be absent, इसका मतलब क्या होता है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे सिस्टम का वो एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर सम होता है। वो वेक्टर कौन से, तो भाई इंडिविजुअल चार्ज के वजह से सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए वो सारे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऐड कर दिया जाए तो यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एक्सपीरियंस बाय योर टेस्ट चार्ज। तो सिस्टम ऑफ एन चार्ज के लिए अगर पी पॉइंट में मुझे टोटल फील्ड फाइंड करना है तो सुपर पोजिशन क्या कहता है इन सिंपल लैंग्वेज, ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस अप टू ई एन, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ ई वन ई टू एंड ई एन सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैल्यू ऑफ के इज कॉमन फॉर ऑल। तो उसको बाहर निकाल लो तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्यू वन डिवाइड बाई आर वन पी का स्क्वायर इंटू आर वन पी का कैप, सिमिलरली क्यू टू डिवाइड बाई आर टू पी का स्क्वायर एंड आर टू पी का कैप एंड सो ऑन। नाउ सी अगर इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि पोजिशन एडिशन है तो समेशन में इजिली कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकलेगी कि ई इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एंड क्यू आई डिवाइड बाई आर आई पी का होल स्क्वायर एंड आर आई पी का मतलब भाई यहाँ पे ये नहीं है रेस्ट इन पीस, बट आर इन सफिक्स में आई पी, राइट, इन केप एंड इन अदर लैंग्वेज वट इज दैट एन अदर वर्ड ई इज इक्वल टू के बिकॉज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज नथिंग बट के, सो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एंड क्यू आई डिवाइड बाई आर आई पी का स्क्वायर एंड आर आई पी कैप, राइट। इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर सपोज कि आपको पता है आर वन पी को हम आर आई पी को हम सब पोजिशन वैक्टर भी बोलते हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर को अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो आगे आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स में, इसमें क्या आता है आर आई माइनस पी, मतलब आर माइनस आर आई, यहाँ पे भी r माइनस आर आई बन जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कुछ इस तरह का होता है, सपोज कि वेक्टर कैप r कैप है तो इसको आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सॉरी वेक्टर ऑफ r डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मतलब ये कुछ मैग्नीट्यूड जैसा ऐसा, और कुछ ऐसा भी टर्म आप बना सकते हो लाइक दैट, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर अगर देखा जाए तो ई इज इक्वल टू के समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई डिवाइड बाय आर माइनस आर आई, राइट, इन मॉड्यूलस फॉर्म स्क्वायर, राइट, बिकॉज वो प्लस भी हो सकता है वेक्टर माइनस भी हो सकता है, दैट इज द रीजन मॉड्यूलस लेने का यही रीजन है, डॉट आर माइनस आर आई एंड डिवाइड बाई आर माइनस आर आई, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा एंड लास्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो मिलता है वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, राइट।
सो बच्चों आज जितने भी टॉपिक लिए वो अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो। मैथमेटिकल फॉर्म है, जहाँ पे नहीं समझने आता है यू कैन कमेंट्स ऑन माय लिंक, राइट? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।